तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पहले हम एक मॉडल लेंगे न्यू। यहाँ से मान लीजिए 300x300 का मैंने मॉडल लिया और यहाँ से एमएम और रिजोल्यूशन हाई रखेंगे और ओके करते हैं। और यहाँ से मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ पे एक मान लीजिए कि 50 का डायमीटर का एसएल कर लिया और इसको हम थोड़ा सा इसके बाद कटिंग कर लेते हैं। सॉरी कंट्रोल जेड और थोड़ा सा भाग कटिंग कर लेते हैं। कंट्रोल पे से सीधा लाइन बन जाएगा और यहाँ से इसको कटिंग कर दे रहे हैं और इसको डिलीट कर दे रहे हैं और इसको यहाँ पे मिरर पे जाएंगे राइट और डाउन में इसे क्लिक करके क्लोज करते हैं और यहाँ पे एक ऐसे और इसमें एक ऐसे क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं, सॉरी इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और इसके बाद में यहाँ पे सेंटर इसी तरह इसको इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट और इसके बाद में सेंटर ऐसे हो गया। इसके बाद यहाँ से ट्रिम कर लेंगे ये और ट्रिम हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे और इसको अब इनको सेलेक्ट करके यहाँ से मिरर पे जाएंगे और यहाँ पे कॉपी और यहाँ से राइट ऐसे थोड़ा बड़ा ऐसे कर लेंगे, क्लोज करेंगे और इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे और इसको यहाँ पर ला रहे हैं। ये ज़्यादा इसका वेरिएशन है, अप डाउन इसका भी ज़्यादा है तो हम डबल टी प्रेस करेंगे और हटाएंगे ऐसा से तो हम मान लीजिए कि 5 कर देंगे, अप्लाई कर देंगे क्लोज। अब इसको क्या करेंगे डाउन साइड में कॉपी करेंगे ऐसे और क्लोज करेंगे ऐसे थोड़ा बड़ा रखेंगे इस तरह से ओके। और इसको क्या करेंगे दोबारा फिर यहाँ से बॉटम में मिरर कर लेंगे, क्लोज करेंगे ऐसे गैप रखेंगे, ये गैप दोनों बराबर होना चाहिए लगभग लगभग ऐसे। अब इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे फिर वही काम मिरर बॉटम में क्लोज डाउन ऐसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से क्लोज इसके बाद में डाउन इसके बाद में फिर वही काम बॉटम और क्लोज और इसको डाउन ऐसे ओके। इतना भाग हम डिलीट कर देंगे, जरूरत नहीं है इसका। यहाँ से सेंटर कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और इसके बाद में डबल टी प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर 90 डिग्री डालेंगे और अप्लाई करेंगे ऐसे। देखिए ये इस तरह हो चुका है। अब इसको पकड़ के ऊपर कर देंगे ऐसे ओके। और इसको भी हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, टी प्रेस करेंगे और इसको ऐसे खींच लें इस तरह से ओके। क्योंकि हमारा साइज जो है वो छोटा है तो हमने इसे बढ़ा लिया। अब क्या करेंगे सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे 1 mm का सॉरी इसको क्या करेंगे दोबारा सेलेक्ट करके इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे क्योंकि ये सीधा सीधा बन रहा है। तो इसको डबल टी प्रेस करते हैं, सॉरी इसको सेलेक्ट करते हैं पहले और डबल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए हम 45 पे इसको रोटेट कर दे रहे हैं
और इसको इस तरह हम खींच के बड़ा कर लेना है ऐसे, और ओके अब क्या करें, यहाँ से अप्लाई करें, क्लोज कर दें। अभी सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ऑफसेट लेंगे, यहाँ से ऑफसेट में यहाँ से 1 mm डालेंगे बोथ साइड में, और यहाँ से सब कॉर्नर पे करके रखेंगे, और यहाँ से ऑफसेट। तो इस तरह से ऑफसेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे आउट साइड का एक लाइन सेलेक्ट करें तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में डिलीट, और इसको भी हम सर ये दोनों लाइनें डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये रहा रेक्टेंगल, यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल बना लेंगे और इसको सेंटर में कर लेंगे, और इन सबको सेलेक्ट करेंगे। सर इसको हम डिलीट कर देंगे, ज़रूरत नहीं हमको नेसेसरी पार्ट अभी। अब क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ से ग्रुप कर देंगे, और ये है हमारा सेंटर में कुछ है, सेंटर में तो है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनसाइड और ट्रिम उसको ऐसे कर देंगे, तो बाहर का पूरा मटेरियल रिमूव हो गया। अब इसको को डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे जाएंगे विंडो, इसमें और इन सबको सेलेक्ट करेंगे, और सेव एडिटर में जाएंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम वीडियो को स्किप कर, तो देखिए इस तरह से यहाँ से क्लोज कर देंगे, और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है। तो चलिए यहाँ से इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और इस तरह देखिए डिज़ाइन हो चुका है हमारा। तो हम यहाँ से कलर चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब का, जो भी हमको रिक्वायरमेंट है जिसमें हमको इसको डिज़ाइन को बनाना है, उस मेटल को सेलेक्ट करके हम इसका देख सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह का कलर है हमारे पास, ये ब्लू हो गया, और आप जो भी आपको पसंद हो उसमें आप करके सिमुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए हमको ग्रीन पसंद है तो हम इसको रखेंगे। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।